द ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसका हाफ पार्ट पिछली वीडियो में पढ़ा था, इस वीडियो में जानेंगे यहाँ से कि सून विद न्यू इनोवेशंस। इनोवेशंस क्या होता है? न्यू थिंग्स इन्वेंटेड, एक नई चीज जागृति आना, नवाचार इसे कहते हैं। न्यू इनोवेशंस, ह्यूमंस वेंचर्ड टू डिस्टेंट प्लेसेस बाई लैंड एंड सी फॉर ट्रेड। ह्यूमन की पहुँच दूर दूर नए नए जगहों पर होने लगी, लैंड एंड सी तक, फॉर ट्रेड व्यापार के लिए, एंड कॉमर्स आल्सो। कॉमर्स आर इज द सब्जेक्ट है, इज द रिलेटेड मनी मैटर्स। तो सेटलमेंट्स दैट स्टार्टेड एज विलेजेस ग्रो इनटू टाउन्स, जिस तरह सेटलमेंट ह्यूमन बीइंग का स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे देखिए विलेजेस ग्रो इनटू टाउन्स, विलेजेस टाउन में ग्रो होने लगे, एंड जो गाँव थे वो कस्बे बनते गए। अपार्ट फ्राम एग्रीकल्चर, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी बन गई। स्टूडेंट देखिए, मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं जानते होंगे, मैन्युफैक्चरिंग क्या, इंडस्ट्रीज में नई नई चीज़ें बनती हैं जो रॉ मटेरियल से, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। द साइंटिफिक एज एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू मैनी इन्वेंशंस। तो साइंटिफिक एज ने, वैज्ञानिक एज आ गया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, इंडस्ट्री डेवलप होने लगी, इनसे आगे बहुत से इन्वेंशंस बढ़ने लगे। दीज इन्वेंशंस मेड मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पॉसिबल। इन न्यू इन्वेंशंस ने गुड्स के मास प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाया। मास प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम फास्टर हो गया, बहुत तेज हो गया। टुडे वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड एट आवर फिंगर टिप्स थ्रू द इंटरनेट। तो आज क्या है, देखिए इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन हमारी फिंगर्स पर रहती है, कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट की, किसी भी कंट्री की जानकारी हम गूगल से, इंटरनेट के थ्रू जान लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ पॉसिबल टू स्पीक टू एनी वन एनी वेयर इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में किसी से कहीं पर भी बोलना पॉसिबल हो गया है, एनी टाइम, किसी भी समय। ठीक, एडवांसेस इन मेडिसिन इन द लास्ट टू सेंचुरीज, लास्ट टू सेंचुरीज में मेडिसिन के मामले में एडवांसमेंट हैव हेल्पड अस कंट्रोल मैनी डेडली डिजीजेस। तो इसने हमारी हेल्प की है बहुत सी डेडली, यानी कि फियरफुल, भयानक या जानलेवा बीमारी जैसे कहें हम, तो बहुत सी जानलेवा बीमारियों से न्यू मेडिसिन इन्वेंशंस ने हमारी हेल्प की है, एंड इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इससे क्या हुआ है, देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि, यानी जो अनुमानित एज होती है, एवरेज एज जिसे कहते हैं, उसे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, मोर पीपल एंड रैपिड डेवलपमेंट लीड टू मोर प्रेशर ऑन द इन्वायरमेंट। तो ज़्यादा पीपल और बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड क्या होता है, यानी स्पीड डेवलपमेंट, स्पीड में डेवलपमेंट होना, लीड टू मोर प्रेशर ऑन द इन्वायरमेंट, इससे इन्वायरमेंट पर और प्रेशर बढ़ा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे आवश्यक रूप से, इट मीन्स दैट द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन, मतलब हुआ कि डिफरेंट स्फीयर्स, तो किस तरह एक बैलेंस है, डिफरेंट स्फीयर्स इज डिस्टर्ब्ड। तो अलग अलग स्फीयर्स में जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हुआ है ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज से, रैपिड डेवलपमेंट, ज़्यादा पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। तो अलग अलग जो एटमोसफेयर के पार्ट हमने पढ़े इन्वायरमेंट के, इनमें कहना कि डिस्टर्ब हुआ है। तो इज इट टू लेट टू करेक्ट इट, क्या हम इसको इम्प्रूव करने में बहुत ही लेट नहीं हो गए हैं, कि हमारा इन्वायरमेंट आज भी पोल्यूटेड है, इसको साफ करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।